नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में जमीन के खरीद बिक्री में फर्जीवाड़े की संभावना खत्म होने वाली है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां जमीन से जुड़ा हर काम ऑनलाइन हो रहा है। इस प्रक्रिया से आम नागरिकों को काफी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि सभी दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया के चलते जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी। विधानसभा में विभागीय बजट पेश करने के बाद वो सरकार की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे। वहीं सदन ने ध्वनिमत से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का 12 अरब रुपए से अधिक का बजट पारित कर दिया। मंत्री ने सदन को बताया कि राज्य में अभी भू सर्वेक्षण और चकबंदी का कार्य साथ साथ चल रहा है और सरकार इसके लिए अभियान भी चला रही है। विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी दूर की जा रही है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2017 से सूबे के सभी अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाने से दाखिल खारिज के मामले में गड़बड़ी की शिकायतें कम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में आए 78% से ज्यादा मामलों का समय पर निपटारा हो पा रहा है। जमाबंदी पंजियों में रैयतों का नाम, खाता, खेसरा, लगान आदि की त्रुटियों में सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल शुरू किया गया है। 2 मार्च तक 7.5 लाख से अधिक लोगों ने सुधार के लिए आवेदन दिया था। इसमें से 4.5 लाख से अधिक मामले निपटा दिए गए हैं। वहीं अंचल कार्यालय से ऑनलाइन LPC दिए जा रहे हैं। इसके निपटारे का प्रतिशत 92.66% है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने यह भी बताया कि राज्य के सभी अंचलों में गांव का नक्शा उपलब्ध है। 150 रुपया शुल्क देकर ग्रामीण इसे प्राप्त कर सकते हैं। जल्द ही यह स्पीड पोस्ट के जरिए भी मिलने लगेगा। अंचल स्तर पर आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण किया जा रहा है। अभियान बसेरा के तहत अब तक 1,30,000 भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन दी जा चुकी है। इनमें से 1,08,000 परिवारों को जमीन पर दखल कब्जा भी हो गया है। श्मशानों को अवैध कब्जा से मुक्ति दिलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्य के लिए प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। मंत्री रामसूरत कुमार ने सदन को बताया कि देश में भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के कार्यों का वार्षिक मूल्यांकन करने वाली एजेंसी NCEAR यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च ने बिहार को इस मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के कामकाज के मूल्यांकन पर आधारित है। उन्होंने यह भी बताया कि बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने कामकाज में 125% सुधार किया है और इस मामले में पहले स्थान पर है। वहीं इस मामले में केरल और त्रिपुरा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। बताते चले कि बिहार में भूमि विवाद को कम करने के लिए सरकार के द्वारा नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। सरकार का लगातार यह प्रयास रहा है कि बिहार में भूमि से संबंधित विवादों का निपटारा तय समय पर किया जा सके। इसके लिए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि बिहार में ज्यादातर आपराधिक घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं भूमि विवाद का ही किरदार होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।